बिग बॉस सीजन 16 में जब तक जितने भी कंटेस्टेंट्स अब तक बने हैं, चाहे वो निमृत हो चाहे वो गौतम हो, इन दोनों ही लोगों को बिग बॉस से लताड़ लगी है। इन दोनों ही लोगों के कई चीजें बिग बॉस को पसंद नहीं आई, लेकिन ऐसा लगता है कि शिव ने सारा मामला अपने हाथ में ले लिया है और शिव आपला मराठी मानुष जो है वो भाई घर के अंदर आग लगा रहा है और आग लगाने वाला है। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूं ज्योति नाहक। इस वक्त घर के अंदर कुछ ऐसा हुआ है कि शिव ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। जी हाँ, सुबह सुबह ऐसा क्या हो गया भाई कि घर के अंदर इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ गई। सारे घर वालों को उनके सुबह के काम छोड़कर, किसी को ब्रश करना है, किसी को नहाना है, किसी को नाश्ता बनाना है, किसी को चाय बनानी है, ये सारे इंपॉर्टेंट काम छोड़कर शिव ने कहा कि अभी के अभी इमरजेंसी मीटिंग होगी। और ये मीटिंग बिग बॉस ने नहीं बुलाई बल्कि घर के कैप्टन शिव ठाकरे ने बुलाई। जैसे ही सारे बैठे हैं, मैं आपको एक फुटेज भी है वो भी आपको दिखाती हूँ, लाइव फीड से ये खबर जो है वो आ रही है। सबसे पहले तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो सारे घर वाले यहाँ पर आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं, सब चीजें सीख रहे। तो ये चीजें अगर एक बार नहीं हुई तो अभी और एक बार ट्राई करते, डिनर तक नहीं हुआ तो फिर हम चेंज करते, ठीक है यार। प्लेट ही है, कुछ अलग कुछ नहीं। हाँ, और सुनो यार, कभी कभी ना जो ब्रेकफास्ट के लिए आने वाले, आज डिनर तक जैसा था वैसा ही रहेगा। तो सुनो, कुछ कुछ चीजें हम यहाँ पे आके सीख रहे, सब चीजें सीख रहे। तो ये चीजें अगर एक बार नहीं हुई तो अभी और एक बार ट्राई करते, डिनर तक नहीं हुआ तो फिर हम चेंज करते। सो हॉल में, लिविंग रूम में, बेसिकली माफ कीजिएगा, लिविंग रूम में सभी कंटेस्टेंट्स को सुबह सुबह बैठाया गया है, बुलाया गया है और शिव ने वहां पर बात क्लियर कर दी है कि घर के अंदर जो बड़े मुद्दे हैं उन पर लड़ो, जो बहुत पेटी इश्यूज हैं कि यू नो कि अगर आप किचन ड्यूटी में हो, अगर आप जा रहे हो, आपने ध्यान नहीं दिया, नीचे टिश्यू पड़ा है, लेकिन अगर कोई और वहां से जा रहा है तो वो देख कर भी उस टिश्यू को उठाता नहीं है बल्कि उसका मुद्दा बनाता है कि मैं ये टिश्यू क्यों उठाऊं क्योंकि मेरी तो किचन की ड्यूटी नहीं है। भाई वैसे तो ये बात सिर्फ शिव ने कही, शिव ने तो समझदारी वाली बात की है, लेकिन इन जनरल भी लाइफ में भी यार, मतलब अगर आपको कोई चीज दिख रही है, अगर कोई जानबूझ के नहीं उठा रहा वो एक अलग चीज है, वो एक मुद्दा है, लेकिन अगर कोई जानबूझ के नहीं ऐसा कर रहा, नेचुरली काम में है, ध्यान नहीं रहा और यू नो वो चीज उठा ली है या नहीं भी उठाई है, कोई चीज ध्यान से निकल गई है, तो आप अगर फ्री घूम रहे हो उस घर में, आपको कोई मीटिंग अटेंड तो करनी है नहीं बिग बॉस के घर में, तो आपका काम ही सारा ये है कि घर के काम करो, बॉन्डिंग्स बनाओ, ओपिनियंस दो और टास्क परफॉर्म करो। तो ऐसे में शिव ने सबको बिठाकर ये इमरजेंसी मीटिंग के दौरान क्लियर कर दिया कि जो छोटी मोटी चीजें हैं ना, कि किसी और का टिश्यू गिरा है तो हम नहीं उठाएंगे, किसी और की चम्मच अगर साइड में है जरा सी, उसको यहां रखना है तो हम नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी ड्यूटी नहीं है, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो है वो ना करें। अगर 10-5 मिनट नाश्ता ऊपर नीचे हो गया तो भी बवाल ना करें। उसी के साथ साथ अगर कोई किचन एरिया में खड़ा है और यू नो किसी का राशन नहीं पहुंचा है खाना बनाने के लिए, तो भी आप नाटक ना करें। 10-15 मिनट, हमें कहीं जाना तो है नहीं, कोई ट्रेन तो नहीं पकड़नी, सो 10-15 मिनट ऊपर नीचे जो है वो चलता रहता है। सो अपनी तरफ से शिव ने क्लियर कर दिया है, अपनी तरफ से शिव ने कह दिया है कि चाहे जो मर्जी हो जाए लेकिन घर में मुझे पेटी इश्यूज नहीं चाहिए। आई थिंक शिव ठाकरे इज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स टिल नाउ, और तीसरा हफ्ता चल रहा है घर का और तीसरे हफ्ते में शिव हैज प्रूवन टू बी द बेस्ट कैप्टन। आपका क्या है कहना इस पर, बताइएगा।